दोस्तों अगस्त मंथ पर हर एक ब्रांड ऑलरेडी फोन लॉन्च कर दिया है। रेडमी, पोको, मोटोरोला, सैमसंग, टेक्नो, इन्फिनिक्स, हर एक ब्रांड की तरफ से फोन देखने के लिए मिल गया है। अभी बाकी है रियलमी। रियलमी अपना 11 सीरीज का मतलब नंबर सीरीज का अंडर दोनों फोन एक्चुअली लॉन्च करने वाला है। रियलमी 11 5G एंड रियलमी 11X 5G दोनों फोन के साथ ही आपको 5G कनेक्टिविटी देखने के लिए मिल जाएगा। आज इस वीडियो के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ दोनों फोन के साथ आपको 100% स्पेसिफिकेशन वगैरह क्या देखने के लिए मिलेगा, इंडिया के लिए प्राइस क्या होगा, आपको एक्चुअली वेट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, दोनों फोन के लिए सब कुछ इन डिटेल। दोस्तों वीडियो को लाइक करके अंत तक देखिए और इस टाइप का वीडियो अनबॉक्सिंग रिव्यू ऑफ रिलेटेड वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों देखिए रियलमी 11X दोनों फोन के साथ आपको लगभग 80% स्पेसिफिकेशन सेम टू सेम देखने के लिए मिलेगा, 20% आपको डिफरेंट देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए डिस्प्ले का जो सेक्शन है दोनों फोन के साथ आपको सेम टू सेम 6.72 इंच का IPS फुल HD प्लस पैनल देखने के लिए मिल जाएगा। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश का सपोर्ट आपको बराबर देखने के लिए मिलेगा, बट IPS पैनल है एंड 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है एंड आपको इधर राइट साइड पर फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने के लिए मिल जाएगा। जो बिल्ड क्वालिटी है, जो डिजाइन है, सेम टू सेम आपको पॉलीकार्बोनेट का ही देखने के लिए मिलेगा। इनबॉक्सी टाइप का आपको डिजाइन देखने के लिए मिल रहा है एंड कैमरा का जो बम्प है वो सर्कल वाइज मतलब मॉडर्न ट्रेंड को फॉलो करके वो वाला डिजाइन रियलमी ने डिजाइन किया है। सेम टू सेम प्रो सीरीज में भी आपको उधर कैमरा बम्प सर्कल वाइज देखने के लिए मिल रहा था और इस बार भी आपको सर्कल वाइज ही देखने के लिए मिल रहा है, बट लेफ्ट साइड पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। देखिए डिजाइन तो आपको सेम देखने के लिए मिल रहा है बट कलर में आपको इधर डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। रियलमी 11 5G के अंदर ब्लैक एंड गोल्डन कलर का कॉम्बिनेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, मतलब डिफरेंट दोनों टाइप के कलर देखने के लिए मिल रहा है एंड 11X 5G में आपको इधर पर्पल टाइप एंड ब्लैक टाइप का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, मतलब दोनों वेरिएंट में आपको टू डिफरेंट कलर देखने के लिए मिल रहा है। जो इधर प्रोसेसर मतलब परफॉर्मेंस का सेक्शन है वो भी सेम टू सेम है। मीडियाटेक डायमेंसिटी का नया चिपसेट 6100+। जी हाँ दोस्तों नया चिपसेट है बट उतना पावरफुल चिपसेट नहीं है। स्नैपड्रैगन का जो 4th Gen 2 वाला चिपसेट है उससे भी आपको इधर कम परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगा। अंतुदु स्कोर 4 लाख के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगा। 5G कनेक्टिविटी आपको इधर बराबर देखने के लिए मिल जाएगा बट उतना बड़ा पावरफुल वाला प्रोसेसर आपको इधर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। बैटरी का सेक्शन पर 5000mAh का बैटरी आपको इधर जो इनबॉक्स चार्जर देखने के लिए मिल रहा है। 11 5G के अंदर आपको 67W का चार्जर इनबॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा एंड 11X 5G में 33W का चार्जर इनबॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा। कैमरा का जो सेंसर है एंड कैमरा का जो मेगापिक्सल है इधर भी आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। रियलमी 11 5G में बैक सेक्शन पर डुअल कैमरा सेंसर है, मतलब डुअल कैमरा सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मेन कैमरा 108MP एंड सेकेंडरी यूजलेस 2MP का डेप्थ सेंसर और माइक्रो सेंसर जो भी है बकवास है एंड फ्रंट सेक्शन पर आपको 16MP का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा। फ्रंट कैमरा एंड बैक कैमरा मैक्सिमम फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर पाओगे एंड 11X 5G के अंदर बैक सेक्शन पर 64MP का मेन सेंसर एंड 2MP का यूजलेस कैमरा एंड फ्रंट सेक्शन पर 8MP का सेल्फी कैमरा, इधर भी फुल HD मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट रियलमी ने दिया है। जो इधर OS है सेम टू सेम एंड्रॉइड 13 के साथ रियलमी UI 4.0 एंड जो कनेक्टिविटी है टाइप सी पोर्ट है। डुअल स्टीरियो स्पीकर का शायद इधर ऑप्शन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, सिंगल आपको इधर बॉटम पैडिंग स्पीकर देखने के लिए मिलेगा एंड 3.5mm ऑडियो जैक का भी सपोर्ट है। रैम एंड स्टोरेज वेरिएंट में आपको इधर डिफरेंस डेफिनेटली देखने के लिए मिल रहा है। रियलमी 11 5G में इधर दोनों ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है 8GB रैम के साथ 128GB जो बेस वेरिएंट होने वाला है एंड 8GB रैम के साथ 256GB इंटरनल मेमोरी का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाएगा। रैम टाइप LPDDR4X एंड जो मेमोरी टाइप है वो है UFS 2.0। देखिए जो बेस वेरिएंट है बेस वेरिएंट का प्राइस इंडिया पर आपको देखने के लिए मिलेगा 17,000 to 18,000 के आसपास बेस वेरिएंट रियलमी 11 5G में और इधर आपको 1,000 rupees का जो डिस्काउंट वगैरह होता है ना बैंकिंग का आपको इधर देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब आप 16,000 to 17,000 मान के चलिए। एंड 11X 5G में आपको इधर जो वेरिएंट देखने के लिए मिलेगा बेस वेरिएंट होने वाला है 6GB रैम, 128GB आपको इंटरनल का स्टोरेज एंड 8GB रैम के साथ आपको 128GB इंटरनल मेमोरी का स्टोरेज देखने के लिए मिल रहा है, मतलब दोनों वेरिएंट में ही कोई भी 64 जो स्टोरेज वेरिएंट होता है 64GB का आपको तो देखने के लिए नहीं मिल रहा है, वो 128GB से स्टार्ट होने वाला है। और 11X 5G का प्राइस
14,000 to 15,000 के आसपास देखने के लिए मिल जाएगा एंड बैंक ऑफर के साथ 13,000 भी हो सकता है, मतलब 11X 5G बजट रेंज पर आ रहा है एंड 11 5G 2,000 to 3,000 रुपीस ज़्यादा पे करना होगा 108 मेगापिक्सल कैमरा के लिए। और थोड़ा मोड़ा जो चार्जर का सेक्शन है उधर थोड़ा इंप्रूव है, 67 वाट का चार्जर इनबॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा। बट ये दोनों फोन मेरी तरफ से बिल्कुल रिकमेंड नहीं है, क्योंकि ये जो प्राइस सेगमेंट है इस प्राइस सेगमेंट में आपको अच्छा कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए रेडमी की तरफ से रेडमी 12 5G ऑलरेडी मार्केट पर अवेलेबल है 11,000 में, बेटर प्रोसेसर आपको सेम टू सेम एक तरह आपको कैमरा का जो क्वालिटी है सेम टू सेम ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कहीं आपको इधर डिफरेंस उतना ज्यादा डिफरेंस 11X की तरह आपको उतना ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा और इधर आपको बिल्ड क्वालिटी भी बढ़िया देखने के लिए मिल रहा है, क्लास बिल्ड क्वालिटी भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो 2,000-3,000 ज्यादा पे करने के बाद जो प्रोसेसर आपको देखने के लिए मिल रहा है ना इधर 11X एंड 11 में, बकवास प्रोसेसर है, उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। देखिए प्राइस क्या होता है मैंने तो रिकमेंड नहीं किया हूं मेरी चैनल की तरफ से, और आप क्या सोच रहे हो, आपका ओपिनियन क्या है, वो ही आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके हमको बताइए। वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का।